नैनीताल की खूबसूरती को सबसे पहले दुनिया से परिचित कराने और नैनीताल को बसाने का श्रेय अंग्रेज यात्री, लेखक और व्यापारी पी बैरन को जाता है। वे अपनी यात्रा अनुभव से जुड़े लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पिलग्रिम नाम से भेजा करते थे। पॉपकॉर्न ट्रिप यूट्यूब चैनल में हल्द्वानी से नैनीताल तक रोड ट्रिप पर बने वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन या वीडियो के ऊपर दाईं ओर है। पी बैरन सन 1839 में केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद कुमाऊं की ओर बढ़ते हुए खैरना पहुंचे। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में भी देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैरना नैनीताल से 30 किलोमीटर दूर रानीखेत अल्मोड़ा जाने वाले रूट में एक छोटा सा सुंदर कस्बा है। पी बैरन को खैरना में वहां से दिखने वाली पहाड़ी, शेर का डंडा की जानकारी मिली। घना जंगल और हिंसक पशुओं का घर होने के कारण उस समय लोग वहां कम ही जाते थे। डांडा स्थानीय बोली में कहे जाने वाले शब्द डाना या डान से बना है, जिसका अर्थ है पहाड़ी यानी रिज। शेर का डांडा यानी एक ऐसी पहाड़ी जहां पर टाइगर और दूसरे वन्य प्राणी रहते हैं। साहसिक यात्राओं में दिलचस्पी रखने वाले पी बैरन ने कुछ स्थानीय लोगों को अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। खैरना से ट्रैक कर समुद्र तल से 2350 मीटर की ऊंची शेर का डांडा पहाड़ी पर पहुंचे। यहां से खूबसूरत ताल को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। जो ताल उन्होंने शेर का डंडा नाम की पहाड़ी से देखा था, उसे ही आज हम नैनीताल नाम से जानते हैं। पी बैरन की ही तरह नैनीताल का वीडियो सफर शुरू करते हैं शेर का डंडा से, जहां आज भी टाइगर, लेपर्ड और दूसरे जानवर देखे जा सकते हैं, क्योंकि अब इस जगह है 4.6 हेक्टेयर में फैला हाई अल्टीट्यूड जू। नैनीताल में जू तक पहुंचने के लिए लगातार चलने वाली शटल सर्विस उपलब्ध है। जू के लिए टैक्सी सेवा तल्लीताल रिक्शा स्टैंड से मॉल रोड की ओर चलते हुए कुछ कदम की दूरी पर अवेलेबल है। मॉल रोड से जू की दूरी 2 किलोमीटर है। जू जाने से पहले ध्यान रखें, आप शाम 3-4 बजे से पहले जू में प्रवेश ले लें। शाम 4:30 बजे के बाद जू में एंट्री बंद हो जाती है और 5 बजे तक ही विजिटर्स जू में घूम सकते हैं। जू हर थर्सडे को बंद रहता है। यह है जू की चढ़ाई और संकरी रोड। नैनीताल में आप अपनी कार से आए हैं तो उसे पार्किंग में छोड़ घूमने के लिए यहाँ चलने वाली लोकल टैक्सीज का उपयोग करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि नैनीताल में कई जगह रोड बहुत नैरो हैं, कई जगह वन वे एंट्री है और कई जगह पहुँचने के लिए बहुत तीव्र चढ़ाई या ढलान है। शटल सर्विस का चार्ज स्क्रीन में देखा जा सकता है। यह शुल्क दोनों ओर के लिए है। मॉल रोड से जू को जाने वाली रोड के पास टिकट बनते हैं। टिकट बनने के बाद जू के लिए अनुबंधित किसी भी वाहन से जू पहुंचा और वापस लौटा जा सकता है। पर्यटक सीजन में यहाँ काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। जू तक मॉल रोड से ट्रैक करके भी पहुंचा जा सकता है। यह है जू की पार्किंग। यहाँ से कुछ मीटर की चढ़ाई तय कर जू तक पहुंचा जा सकता है। बाईं तरफ पहाड़ियों से घिरी खूबसूरत लेक, जू के मुख्य एंट्रेंस गेट के सामने टिकट काउंटर। इंडियन सिटीजन्स के लिए 100 रुपीस और फॉरनर्स के लिए 200। सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जू में कोई एंट्री चार्ज नहीं है। जू के गेट से अंदर प्रवेश कर फाउंटेन और सुंदर गार्डन या कहें सेल्फी पॉइंट। जू के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए हल्की चढ़ाई है। सबसे पहले बर्ड्स के केज हैं। फिर दूसरे एनिमल्स के। जू का आकर्षण जानवरों के अतिरिक्त कई हाई अल्टीट्यूड पेड़ पौधे भी हैं। हर केज के बाहर उनमें रह रहे एनिमल्स के नाम लिखे हैं। नैनीताल जू में बंगाल टाइगर के अलावा लेपर्ड्स, जापानी लंगूर, रेड पांडा, तिब्बतियन भेड़िए, हिमालयन भालू, घुड़ल, बार्किंग डियर, सांभर आदि जानवर और कई सारे पक्षी हैं। जू के ट्रिप में हमें बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स, बार्किंग डियर की कुछ शानदार तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर करने का मौका मिला। वीडियो के बीच में आप उन्हें देखते रहेंगे।
जू में एनिमल्स को एडॉप्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए नैनीताल जू प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। बर्ड्स की एनुअल एडॉप्टेशन कॉस्ट 2000 रुपये से शुरू हो जाती है। वहीं बंगाल टाइगर का एडॉप्टेशन कॉस्ट कुछ 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। यह रकम एनिमल्स के रखरखाव, देखभाल और भोजन खर्च का मूल्य है। जू में जानवरों को खिलाना या ऊंची आवाज में बात करना, शोर करना प्रतिबंधित है। हमारे जू में विजिट करने का समय किसी जानवर के आराम करने का समय भी हो सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि यहाँ विजिट करते समय सभी जानवर दिख जाएं। वाइल्ड लाइफ लवर्स इतनी ऊंचाई में संवेदनशील जानवरों और शांत जंगल के बीच अपनी बेहतरीन स्मृतियों के लिए यहाँ अच्छा वक्त बिताते हैं। जू के बीच में जंगल से घिरा गोलू देवता का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। उधर से उधर को रास्ता है, सारी नंदाल की जनता वहां से आती है बगड़ती में। संख्या 1, 3, 5, 7 विषम संख्याओं में यहाँ देवियां भी है अंदर। वो आदमी अपनी प्रार्थना अर्जी यहाँ मौखिक और लिखित दोनों लगती है। नैनीताल का जू 1984 में स्टेब्लिश हुआ, लेकिन विजिटर्स के लिए 1 जून 1995 को जू शुरू किया गया। नैनीताल सीरीज के अगले पार्ट्स में देखेंगे मॉल रोड, नैना देवी टेम्पल, नैनीताल के कुछ और दर्शनीय स्थल, साथ में जानेंगे नैनीताल में पार्किंग, होटल्स की जानकारी के साथ कुछ दिलचस्प बातें। वीडियो के अंत में रॉयल बंगाल टाइगर के कुछ क्लोजअप शॉट्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।